भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में तीसरा ओडीआई मैच में संजू सैमसंग को टीम में चयन किया गया है। ऐसे में प्रैक्टिस में संजू सैमसंग को बहुत ही आदर्शी अंदाज में बैटिंग करते हुए पाया गया है। संजू सैमसंग ने प्रैक्टिस के दौरान लगातार कई गेंदों में छक्के भी जड़ चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ संजू सैमसंग का प्रदर्शन अच्छा रहता है, स्पेशली ओडीआई क्रिकेट में संजू सैमसंग मिडिल ऑर्डर का एक दिग्गज क्रिकेटर माना जाता है। ऐसे में संजू सैमसंग को सूर्य कुमार यादव के जगह पे तीसरे ओडीआई मैच में मौका मिलना चाहिए कि नहीं, ज़रूर आप कमेंट करके बता सकते हैं। प्रैक्टिस सेशन के दौरान कुल मिलाकर 13 गेंदों में संजू सैमसंग ने 48 रन बनाया है, जिसमें कई छक्के शामिल थे।